एक बूढ़ा ब्राह्मण था, वह रोज पीपल को जल से सींचता था। पीपल में से रोज एक लड़की निकलती और कहती कि पिताजी मैं आपके साथ जाऊंगी। ये सुनते सुनते बूढ़ा दिन ब दिन कमजोर होने लगा। तो बुढ़िया ने पूछा कि क्या बात है। बूढ़ा बोला कि पीपल से एक लड़की निकलती है और कहती है कि वो भी मेरे साथ चलेगी। बुढ़िया बोली कि कल ले आना उस लड़की को, जहाँ 6 लड़कियां पहले से ही हमारे घर में है वहां 7वीं लड़की और सही। अगले दिन बूढ़ा उस लड़की को घर ले आया। घर लाने के बाद बूढ़ा आटा मांगने गया तो उसे पहले दिनों की अपेक्षा आज ज्यादा आटा मिला था। जब बुढ़िया वो आटा छानने लगी तो लड़की ने कहा कि लाओ माँ मैं छान देती हूँ। जब वो आटा छानने बैठी तो परात भर गई। उसके बाद माँ खाना बनाने जाने लगी तो लड़की बोली कि आज रसोई में मैं जाऊंगी। तो बुढ़िया बोली ना रे तेरे हाथ जल जाएंगे। लेकिन लड़की नहीं मानी और वो रसोई में खाना बनाने गई तो उसने तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले और आज सभी ने भरपेट खाना खाया। इससे पहले वो आधा पेट भूखा ही रहते थे। रात हुई तो बुढ़िया का भाई आया और कहने लगा कि दीदी मैं तो खाना खाऊंगा। बुढ़िया परेशान हो गई कि अब खाना कहाँ से लाएगी। लड़की ने पूछा कि माँ क्या बात है। उसने कहा कि तेरा मामा आया है और रोटी खाएगा, लेकिन रोटी तो सबने खा ली है, अब उसके लिए कहाँ से लाऊंगी। लड़की बोली कि मैं बना दूंगी और वो रसोई में गई और मामा के लिए 3600 व्यंजन बना दिए। मामा ने भरपेट खाना खाया और कहा भी कि ऐसा खाना इससे पहले उसने कभी नहीं खाया। बुढ़िया ने कहा कि भाई तेरी पावणी भांजी है, उसी ने बनाया है। शाम हुई तो लड़की बोली कि माँ चौका लगा के चौके का दिया जला देना, कोठे में मैं सोऊंगी। बुढ़िया बोली कि ना बेटी तू डर जाएगी। लेकिन वो बोली कि नहीं माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं अंदर कोठे में ही सोऊंगी। वो कोठे में ही जाकर सो गई। आधी रात को लड़की उठी और चारों ओर आंख घुमाई तो धन ही धन हो गया। वो बाहर जाने लगी तो एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। उसने देखा तो कहा कि बेटी तू कहाँ चली। लड़की बोली कि मैं तो दरिद्रता दूर करने आई थी, अगर तुम्हें दूर करवानी है तो करवा लो। उसने बूढ़े के घर में भी देखा तो चारों ओर धन ही धन हो गया। सुबह सवेरे सब उठे तो लड़की को ना पाकर उसे ढूंढने लगे कि पावनी बेटी कहाँ चली गई। बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि वो तो लक्ष्मी माता थी जो तुम्हारे साथ मेरी दरिद्रता भी दूर कर गई। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने उनकी दरिद्रता दूर की वैसे ही सबकी करना। और इसी के साथ ये कहानी, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। इससे आपको क्या सीख मिली और आगे हमेशा ऐसी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।